नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आपका समय ना खराब करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चीजों को कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे मैंने ट्राइपॉड को रख रखा है, कैसे लैपटॉप को रखना है और चीजों को कैसे रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बैकएंड का पूरा दिखा देता हूं, उसके बाद जो एडिटिंग वाला प्रोसेस है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैकएंड में क्या क्या चीज कैसे सेटअप किया जाता है उस चीज को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इन सभी सेटअप के लिए आपको क्या क्या गैजेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहले जो आपको एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए होगा ताकि आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सको, और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जो है आपका जो है पावर पॉइंट का स्लाइड है ये बैकग्राउंड में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन स्क्रीन के बाद ये टच पैड चाहिए होगा ताकि आप पावर पॉइंट पर लिख सको, और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए ये बोया वाला माइक चाहिए। बाकी यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एक बड़ा ट्राइपॉड खड़ा है जिसके ऊपर एक मोबाइल को मैंने माउंट कर रखा है, जिसके अंदर हमारा फेस रिकॉर्ड होगा। और बाकी यहाँ पे एक लाइट रखा हुआ है जो हमारे सीधा फेस पे पड़ेगा लाइट, ताकि क्वालिटी अच्छा आ सके, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी में लाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा चीज़ों को और सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर पॉइंट जैसे ये खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने PPT टाइप कर रखा है। जैसे इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्लाइड बाय स्लाइड आप चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। और लैपटॉप में जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर खोल रखा है मैंने, कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही हो, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, जो इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा पूरा। अब जैसे मैं यहाँ पे फुल करता हूँ, यहाँ से इसको प्रेजेंटेशन व्यू जो होता है F5 दबाएंगे तो इस तरह से फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। और बाकी इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैं पेन उठाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे इस टच पैड पे, और यहाँ पे जैसे मैं लिखना शुरू करूँगा यहाँ पे तो देखेंगे स्लाइड पे जो है ये देखिए लिखना ये शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके, जैसे मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो यहाँ से 3 सेकेंड का टाइमर लगेगा, और जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाए तो आपको मोबाइल के अंदर भी जो है आपको फेस अपने रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ पे भी आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अब इसको जो है यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देना है ताकि ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे। अब आपका जो है पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है और सामने आपका फेस रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको मोबाइल के अंदर देख करके बोलना है, बाकी अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आपको नीचे देख करके यहाँ पर आराम से अपने डिस्प्ले को देख करके बोल करके समझा सकते हैं, और वो भी जो है आपको सामने रिकॉर्ड होता हुआ रहेगा। बाकी जब हम एडिटिंग करेंगे तो दोनों जो फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है, एक लैपटॉप के अंदर और एक मोबाइल के अंदर, उसको हम एडिटिंग के समय मर्ज करेंगे, वो हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो ये ओवरऑल आपको एक आइडिया लग गया होगा, बाकी मैं आपको चीज़ों को दिखा देता हूँ कैसे कैसे चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप को कुछ इस तरह से, यहाँ पे टेबल को मैंने इतना ऊँचा क्यों कर रखा है, ऊंचा इसलिए कर रखा है ताकि वैसे तो टीचर लोग जो पढ़ाते हैं उनके पास पोडियम होता है, वो उनके लगभग यहाँ पे हाइट के लगभग चेस्ट के आसपास आता तक रहता है, तो इतना रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार जो है ज़्यादा डाउन रहेगा तो आपको नीचे देख करके लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जो कि आपका सामने जो उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता रहेगा वो आपको बाद में जब आप एडिटिंग करेंगे तो सही देखने में नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बार बार आपका फेस नीचे डाउन होगा, ठीक है। तो आप लगभग इस तरह से बराबर पे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है और जस्ट उससे हल्का सा ऊपर जो है मोबाइल रखा हुआ है, और उसी के जस्ट साइड में लाइट रखा हुआ है। तो इस तरह से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, और कोई चीज़ जो है आपके पास जो भी घर में जितना चीज़ पड़ा है उसी में जो है आप जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने कोई चीज़ इसमें परचेज करके नहीं लाया हूँ, जो मेरे पास ये टेबल था, स्टडी टेबल था, इसी पे जो है मैं इसी से जुगाड़ करके इस तरह से आपको समझाने के लिए बस इस तरह से बनाया हूँ, ठीक है। तो एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है रिकॉर्डिंग से पहले बैकएंड में चीज़ों को रखा जाता है। तो एक बार मैं ओवरव्यू पूरा एक कंप्लीट आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे चीज़ें रखी गई है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ऊपर से एक ट्यूब लगा हुआ है ताकि पीछे का जो शैडो आता है वो उसको हटा सके, तो इस तरह से आप चीज़ों को रख सकते हैं। बाकी लाइट आप रिंग लाइट वाला ही लीजिएगा, क्योंकि उससे फेस पे अच्छा लाइट पड़ता है। तो इन सभी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, और आप खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे क्लास को रिकॉर्ड करना है इसका मैं आपको एक डेमो देता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस पे मेरे लाइट पड़ रहा है ताकि क्वालिटी अच्छा आ सके वीडियो का, मतलब मेरे फेस का। और यहाँ पे बाकी लैपटॉप में जो है ये पावर पॉइंट खुला हुआ है और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो चलिए एक मैं डेमो क्लास आपको छोटा सा रिकॉर्ड करके बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे SSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें बताया गया है कि प्राइस ऑफ सुगर राइजेज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ सुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। यानी कि इसमें कह रहा है कि सुगर का जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है और 20% इसके अंदर बढ़ जाता है और बाकी जो कंजप्शन है उसके अंदर कितना परसेंट का कमी किया जाए ताकि जो हमारा खर्च है यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो समान रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बैकएंड का चीज देख लिया और आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे चीजों को सेटअप करना है, कैसे रखना है। और अब हम चलते हैं एडिटिंग की ओर, कैसे जो है एडिटिंग में काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है एडिटिंग का, तभी जो है अच्छा आउटपुट निकल के आता है। तो अब एडिटिंग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस चीज को एडिट करना है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। तो चलिए दोस्तों क्लास को कैसे शूट करते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो अब शुरू होता है, जो फाइनल आउटपुट आपको इतना अच्छा देखने को मिलता है तो उसका काम अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करते हैं तो बाद में मुझे मत बोलिएगा कि यहाँ मैं इस तरह का क्लास नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं, चाहे आप फिल्मोरा में एडिट करें या फिर कैमटासिया हो, ठीक है, या काइन मास्टर कैसा भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ग्रीन स्क्रीन हटाने का सब में देता है। ठीक है, बाकी अगर फिल्मोरा से एडिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें भी मैंने बताया था कि इस तरह से जो है कैसे एडिट करते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, जो मैं उस समय बता रहा था कि जो अलग अलग फुटेज रिकॉर्ड होगा, तो उन सभी को मैं यहाँ पे ला के रख रखा हूँ। यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे मीडिया वाले सेक्शन में, यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके जो अपने फाइल को ला सकते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे ला के रख रखा है, तो ये देखेंगे एक ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ था वो है, दूसरा ये हमारा जो मोबाइल के अंदर फेस रिकॉर्ड हुआ था वो ये वाला रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब चलिए इसको सबसे पहले अब एडिट करना शुरू करते हैं। तो एक एक करके ट्रैक पे लगाते हैं नीचे, एक सेकेंड, तो हमारा ये सबसे नीचे एक नंबर ट्रैक पे आ गया। ठीक है, जिसको मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से लगाइएगा, यानी कि दो नंबर ट्रैक पे लगा दिया उसको और उसको एक नंबर पे, तो उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा। उसके बाद दो इस वाले फुटेज को भी ले आते हैं जो हमारा फेस रिकॉर्ड हुआ था। तो आपको अब लग रहा होगा कि ये फेस तो ऊपर आ गया, तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो तो छुप गया, तो अभी आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अब सबसे पहला काम क्या होता है इसमें हमारा, कि जो आगे का गलत पोर्शन है उसको काट के हटाना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, तो वही सुनना शुरू कीजिए कहाँ से जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है उसको सुनिए। तो सबसे पहले ऊपर वाले लेयर को काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अब हमारा क्लास जो है स्टार्ट, जैसे जो भी आपका वीडियो फुटेज है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से जो है नीचे वाले जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो पोर्शन है, जो आगे का फालतू है, वो काट के हटा दो। ये ऑडियो का जो स्पाइक रहता है इससे जो है आप थोड़ा सा पता लगा सकते हैं, या फिर ईयरफोन लगा के सुनिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से काट के हटा दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब जो हम क्या करेंगे, इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव करते हैं। तो बहुत में क्रोमा की करके ऑप्शन आता है, फिल्मोरा में भी क्रोमा की ही ऑप्शन मिलेगा या ग्रीन स्क्रीन मिलेगा, राइट क्लिक करेंगे, नहीं तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर के वो देख लीजिए, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो ये मैंने रिमूव अ कलर को जो है यहाँ से खींच करके लागे इस पर, जैसे ही इस पर रखा तो यहाँ देखेंगे साइड में जो है रिमूव अ कलर करके यहाँ पे ऑप्शन खुल गया है। यहाँ से जो है जो इसका कलर पिकर होता है इससे ले जा करके मैं कलर जैसे पिक करता हूँ तो बैकग्राउंड जो है हटा देगा। ठीक है, बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर था वो हट गया। अब जो हमारा जो है यहाँ से देखेंगे ये कुछ इस तरह से क्लास स्टार्ट हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ का जो आगे का पोर्शन है इसको काट के हटा देंगे और बाकी हम नीचे वाले ट्रैक को भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से काट के हटा देंगे। अब जो है दोनों को आगे लगा देंगे, आगे मतलब आगे इसको ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, इसको जो है खींच करके पूरे में ऐसे फैला दीजिए। ठीक है,
और अब ऊपर वाले ट्रैक पे जब क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा, या तो ये नीचे वाले ट्रैक को यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि ये अब सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ये ही फेस वाला सिलेक्ट होगा। अब इसको यहाँ से छोटा कीजिए और इसको यहाँ साइड में लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ से, ये देखिए, हेलो स्टूडेंट, आज तो ये प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है, मैंने इंट्रो के अंदर जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था उसमें भी बताया था कि इस तरह से कैसे रिकॉर्ड कर, मतलब क्लास को बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको अपना फेस जो है वो वेबकैम से नहीं रिकॉर्ड करना है, वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना है ताकि जो है क्वालिटी अच्छा है। मान लीजिए आपने वेबकैम से लाइव क्लास तो कर दिया लेकिन वो क्वालिटी अच्छा नहीं गया तो वो किसी काम का नहीं है, मतलब उसको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि सामने वाले को जब तक सही से दिखाई नहीं देगा, अगर अच्छी क्वालिटी का वीडियो नहीं होगा तब तक वो स्टूडेंट ज़्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ सकता है, वो समझ रहे हैं। तो इससे बढ़िया यह है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अपने क्लास को दीजिए और सामने वाले को कंटेंट चाहिए होता है, आप लाइव पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं उसके, उसको ज़्यादा उतना अंतर नहीं आता है, उसको ये चाहिए होता है कि उसको अच्छा कंटेंट मिले जो आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो को लाइव फॉर्मेट में तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, है ना, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो देखेंगे ही, और वैसे ही आपका कंटेंट अच्छा होगा तो स्टूडेंट ज़रूर देखेगा। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो है, ये बस इसमें इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है, आपको लग रहा होगा कि और क्या करना है, बाकी वही बीच में से जो गलत पोर्शन उसको काट के हटाते जाइए, जैसे यहाँ पर खाली जगह था तो इसको काट के हटा दीजिए, ठीक है। तो ये सब तो आपको आता ही है और कैसे करना है सभी चीज़ आपको पता ही है, है ना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इस कारण से मैं इसको दोबारा से जैसे बता रहा हूँ, ये मैं जब एडिटिंग कर रहा था तब मुझे याद आया थोड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे दोनों ट्रैक जो आपने लगा रखा था, एक फेस वाला और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, तो ऑडियो जो है दोनों में रिकॉर्ड होता है ना। तो ऑडियो जो है दोनों ट्रैक में से किसी एक का आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जो है इको जैसा जो है थोड़ा आवाज़ आएगा। तो चाहे दोनों का ऑडियो सुन को देख लीजिए, अगर माइक वाला अच्छा रिकॉर्ड हुआ है तो माइक वाला रख लीजिए, और ऊपर जो फेस वाला है वो जैसे ही ट्रैक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑडियो वाला सेक्शन आ जाएगा, और यहाँ से जो है वैल्यू ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल नॉर्मल करता हूँ, और जो अगर नीचे वाले का, जैसे मान लीजिए माइक वाले का बंद करना हो तो नीचे वाले ट्रैक का सिलेक्ट कीजिए और नीचे वाले का ज़ीरो कर दीजिए, यानी कि दोनों ट्रैक में से किसी एक का जो है ऑडियो बंद कर दीजिए और एक का ही रखिए। अब एक और चीज़ जो मैंने उसमें डाला था वो टीचमेंट वाला, कि टीचमेंट की तरह कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे बैकग्राउंड डिजाइन कर रखा है, इतना आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से जो है आप वीडियो को सुनिए समझिए, आपको चीज़ें पता लग जाएगा। ये PPT आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आपका जो है बैकग्राउंड में इस तरह से अच्छा PPT रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। ये तो मैंने आपको एक डेमो के तौर पर आपको बताया बस, है ना। बाकी ये जो है बैकग्राउंड मैंने यहाँ फोटोशॉप में ऐसे इस तरह से डिजाइन कर रखा है, और इसका क्या काम है वो अभी आप देखेंगे जस्ट 2 मिनट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस जो फेस वाला लेयर है इसको हल्का सा ऊपर करेंगे, एक लेयर हमें बीच में खाली चाहिए, और इस वाले इमेज को, ये इमेज फॉर्मेट में है तो इस इमेज को यहाँ ला के रखेंगे और इसको पूरे में खींच करके फैला देंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि जो क्या बोलते हैं वो जो PPT वाला जो बैकग्राउंड था वो तो गायब हो गया, तो गायब नहीं हुआ है अभी, जस्ट बस 2 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, अभी वो आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन क्यों यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ PPT में ही मैंने पहले से लगा के रख रखा था ताकि मेरे को ये वाला पोर्शन जो है हटाना है और इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने PPT में ही, PPT में नहीं, स्क्रीन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, और यहाँ से विजुअल इफेक्ट पे जाएंगे, और दोबारा से आपको इस लेयर पे अगर आप फिल्मोरा में एडिट कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन करके ऑप्शन आता है तो वहाँ से जा करके आप इस कलर को हटा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कैमटासिया में जो यहाँ पे रिमूव अ कलर वाला उठा करके ला करके इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, फिर यहाँ साइड में ऑप्शन खुल जाएगा, फिर ये कलर पिकर से सेलेक्ट कीजिए और इसका बैकग्राउंड गायब कर दीजिए, मतलब ये जो ग्रीन वाला कलर था वो गायब हो जाएगा जैसे ही क्लिक करेंगे। तो अब हमारा क्या है, ये जो बैकग्राउंड में है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इस नीचे वाले लेयर को हमने लॉक कर दिया था तो यहाँ से अनलॉक करता हूँ मैं, ठीक है। और अब इस वाले लेयर को, अब ऊपर वाले लेयर को जो ये इमेज वाला था, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसको लॉक कर रहा हूँ ताकि ये हिले नहीं। अब नीचे वाले लेयर को जो है इसको एडजस्ट करके इस फ्रेम में फिट करना है, ठीक है। तो इसको मैं इसमें फिट कर देता हूँ, बाकी अब थोड़ा बहुत शिफ्ट दबा करके भी जो है ऐसे खींचेंगे, नहीं तो ये प्रोपोर्शनली मतलब ये साइड बढ़ता है, बाकी नेविगेशन की से जो है थोड़ा इसको एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को,
ठीक है, थोड़ा फिनिशिंग से काम करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्लास देखने में, अदरवाइज़ जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये मैं हल्का सा और एडजस्ट कर रहा हूँ इसको सही से, ताकि ये प्रॉपर दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से जो है ये तैयार हो गया हमारा जो ये क्लास था, इस तरह से जो आपने देखा था पावर पॉइंट में। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से देखेंगे ये मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये अभी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में है, मतलब ये एडिटिंग अभी लेयर पे है, इस कारण से थोड़ा आपको रुक रुक के वीडियो दिखाई दे रहा होगा। जब रेंडर होके जब ये बाहर निकलेगा, फाइनल आउटपुट निकलेगा, तो उसमें पूरा स्मूथली चलेगा। आप इसमें जो है कुछ इसमें कैमटासिया में कुछ कलर करेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, तो मैं कलर एडजस्टमेंट वाला लेयर ले जा करके इस पर अपने फेस वाले पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैंने कुछ अपने प्री डिफाइंड वैल्यू मैंने पहले से बना रखे हैं, तो उसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ताकि यहाँ से जो है थोड़ा सा और क्वालिटी, यहाँ से ब्राइटनेस और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि और क्वालिटी अच्छा हो जाए। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो देखेंगे कुछ इस तरह से जो है ये दिखाई दे रहा है। बाकी इसका फाइनल आउटपुट कैसे दिखेगा आउट मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद वीडियो को, तो वो मैं आपको एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फाइनल आउटपुट दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो है, जैसे जैसे आप इसमें समझाएंगे ये सारी चीज़ें इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। बाकी कुछ डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से और भी वीडियो बनाने का, और आप लोगों की मदद इसी तरह से करते रहने का, ठीक है। जैसे एक बार जब यहाँ से जब ऑडियो मैच कर लेते हैं, जब स्टार्टिंग में कट करके, तो उसके बाद जब कटिंग कीजिएगा बीच में से, जैसे कोई पोर्शन गलत बोल गए हैं तो उसको जब काटिएगा, तो एक साथ दोनों पोर्शन जो है वीडियो को, जो ऊपर नीचे वाला ट्रैक है, फेस वाला और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, उन दोनों को एक साथ कट करके जो है हटाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो फुटेज जो आगे पीछे हो जाएगा तो फिर वो दिक्कत करेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका पीछे का पोर्शन काट के हटा रहा हूँ, और इसका फाइनल आउटपुट जो है वो मैं निकाल रहा हूँ इसमें से, और आपको वो दिखने को अभी मिल जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरह से जो है क्लास रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, लोकल फाइल पे जाऊँगा, यहाँ से कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग रखना है, यहाँ से नेक्स्ट साइज, यहाँ से वाई डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ से क्वालिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। 9020 वाला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 1280 और 720 में चाहिए, नहीं तो वो कम से कम 2-3 GB का फाइल बन जाएगा। और यहाँ से ऑडियो सेटिंग ये सारा सही है, नेक्स्ट और यहाँ से जो आप लोकेशन दे सकते हैं कहाँ पर आपको इस वीडियो को सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पर ले जाके सेव करता हूँ, यहाँ से सेव, और यहाँ से फिनिश करेंगे तो ये जो है रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। जब ये 100% हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट जैसा भी आता है मैं आपको ज़रूर अभी प्ले करके दिखाऊंगा, तो इसको मैं फटाफट इसको कंप्लीट करता हूँ। बाकी इस टेम्पलेट का जो है ये जो मैंने बनाया है, इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज ही है JPG का, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो है वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है और फाइनल आउटपुट आ गया है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो ये देखेंगे हमारा जो है फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और बाकी अगर आप इस फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं ये जो बैकग्राउंड में है, तो आप सीधा जो है बैकग्राउंड में सीधा ये PPT वाला रख सकते हैं, और बाकी जो स्टार्टिंग में बताया था एडिटिंग के समय उतना में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा फाइनल आउटपुट है, और काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। इसको मैं पूरा पढ़ा के दिखाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको पूरा एक ओवरव्यू आइडिया, और आप खुद इस तरह का क्लास इस तरह से आप बना सकते हैं, और काफ़ी जो है इसमें कोई डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, ना और किसी चीज़ की आवश्यकता है, इतना में ही आप अच्छा क्लास बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
और बाकी जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।